एवरीवन, वेलकम टू कोहलीज टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने वाले हैं अमूल फ्रेश क्रीम से फ्रूट क्रीम एक नए अंदाज में। तो आप ये देखिए, मैंने ये बॉक्स लिया है फ्रेश क्रीम का और इसको कैसे खोलना है मैंने खोल लिया था, तब मुझे ध्यान आया कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि पहले शुरू में मुझे भी नहीं पता था। जैसे ये दोनों तरफ से इसको अच्छे से ऐसे खोल लीजिए, ठीक है, और ऊपर से भी आप इसी तरह से चारों तरफ से इसको खोल लीजिए। और ये देखिए, इस तरह से ये जब हो जाता है ना तो अच्छे से मिक्स हो जाएगी, चारों तरफ अच्छे से मिक्स हो जाएगा और ये अब खोलने के लिए तैयार है। तो जरा भी आपकी क्रीम जो है वो वेस्ट नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। ये मैंने ली है फ्रूट, ये फ्रेश क्रीम, और ये लिया है मैंने मिल्कमेड। इसको तो सभी खोलना जानते होंगे कि आप यहां से थोड़ा सा इसको टेढ़ा करके ऐसे खोल सकते हैं। तो आइए क्रीम को निकालते हैं बाउल में। ये देखिए, बॉक्स अच्छे से साफ हो गया है, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुई है, है ना। ये 1 लीटर मैंने ली है क्योंकि मेरे यहाँ गेस्ट आने वाले हैं। और आप देखिए, कहीं से ये दूध होता है इसमें और कहीं थिक होती है, तो पहले हम उसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथ से। ये थोड़ी सी ऐसे थिक हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कुछ पतला दूध जैसे निकलता है, कुछ थिक पोर्शन होता है। तो अच्छे से उसको शेक करके एक बाउल में निकाल के ना आप उसको डाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मिल्कमेड। पहले मैं 1/2 कप डाल के देखती हूं कि 1 लीटर में कितना सफिशियंट है। इसको मिक्स करते हैं। ये देखिए, ये पूरा टिन मैंने इसमें डाल दिया है और 1 लीटर में 380 ग्राम का है। ये देखिए 380 ग्राम, तो ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट मीठा बैठा है, बिल्कुल परफेक्ट, ना कम है ना ज्यादा है, फिर फ्रूट्स का भी मीठा आएगा। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट और स्मूथ बन गई है। अब मैं इसमें कुछ ड्रॉप्स डालूंगी वेनिला एसेंस की और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए कितना बढ़िया ये लग रहा है मिक्सचर। यानी आपके पास मिल्कमेड रखिए, फ्रेश फ्रूट, ये फ्रूट क्रीम बनाने के लिए मिल्कमेड रखिए, आप फ्रेश क्रीम रखिए, बस फिर क्या है, बाकी सब तो होता ही है फ्रूट्स घर में। तो फटाफट बनने वाला डेजर्ट है ये। मैं आपको टेक्सचर दिखाती हूँ, देखिए कुछ इस तरह से, बहुत ही बढ़िया। तो जब आपको ये सर्व करना, आप ऐसे बना के रख लीजिए फ्रेश रैप से, जब आपको सर्व करना है ना उसी समय फ्रूट्स डालने हैं, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, फ्रूट्स जो है वो पानी छोड़ देते हैं। तो देखिए, मैंने कुछ देर इसको फ्रिज में रख के ठंडा कर लिया है, ये देखिए, और इसमें से थोड़ी सी क्रीम मैंने अलग से रख दी है। अब देखिए आप कितनी थिक है ये, कितनी बढ़िया ये अच्छे से ठंडी चिल्ड जो है मिक्सचर हमारा फ्रूट क्रीम के लिए बनके तैयार है। और मैंने एक मैंगो ले लिया है जिसको काट लिया है, 2 बनाना लिए हैं, 2 अनार काट लिए हैं, आपकी मर्जी है कितना ज्यादा आप कम ज्यादा करेंगे। एप्पल है, 1 एप्पल हमने काट लिया है, तो हम थोड़ा थोड़ा जो है सारे फ्रूट्स इसमें डाल देंगे। जितने ज्यादा फ्रूट्स होंगे ना उतना ही अच्छा लगेगा। तो जब आप बनाएं ना तभी आप फ्रूट्स को कट करें। ऐसे ही कुछ गार्निश के लिए रख लेंगे, कुछ इसमें डाल देंगे, आम डाल देंगे साथ में। और देखिए ड्राई फ्रूट्स हैं, बादाम को मैंने सोक किया था, उसका छिलका निकाल लिया, उसको मैंने ऐसे काट लिया है। किशमिश भी मैंने सोक की थी और काजू का टुकड़ा मैंने ऐसे ही ले लिया है। तो आप सोक करके डालेंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेगा, सॉफ्ट लगता है खाने में, अच्छा लगता है। तो ड्राई फ्रूट्स प्लस खूब सारे फ्रूट्स, फ्रूट्स आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। अनार देखिए कितना सुंदर ये कलर लगेगा। और अब इसको करते हैं मिक्स, क्योंकि मीठा वगैरह सब बहुत परफेक्ट है। तो थोड़ी सी मैंने इसमें से अलग निकाल के रख ली है क्रीम, क्योंकि बाउल ऊपर तक भरा था, हम कैसे उसमें फ्रूट्स डालते। इसको करते हैं मिक्स। बहुत बहुत यम्मी सा ये डिजर्ट बनकर तैयार होने वाला है। ये देखिए इतने सारे फ्रूट्स हैं, देख रहे हैं ना, कितने सारे फ्रूट्स हैं, छोटा बड़ा आप जैसे पसंद करते हैं वैसे काट लीजिए। और अब हम इसकी करते हैं प्लेटिंग फ्रूट क्रीम की। तो इसमें हम थोड़ी थोड़ी ये डाल रहे हैं फ्रूट क्रीम, देखिए बिल्कुल भी ऐसे पानी नहीं छोड़ा है, क्योंकि हमने ना इसको अच्छे से मिक्स किया है, तो बिल्कुल आपको मार्केट जैसी ये फ्रूट क्रीम लगेगी।
अब हम इसको हल्का सा करते हैं गार्निश। और ये देखिए हमारी यमी सी लगने वाली फ्रूट क्रीम बनकर तैयार है। आप बनाकर देखिएगा, बहुत बहुत यमी लगती है ये। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। जरूर बताइए कि आपकी रेसिपी कैसे बनी।